दोस्तों स्वागत है आपका एक और अनबॉक्सिंग वीडियो में। आज मेरे पास है OnePlus Nord, चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसा है ये स्मार्टफोन, क्या है बॉक्स कंटेंट्स। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो प्लीज़ अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका अल्फा वेजिटेरियन चैनल में, मेरा नाम है विशाख। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा है ये स्मार्टफोन। दोस्तों ये स्मार्टफोन असेंबल्ड इन इंडिया है। अगर वेरिएंट की बात करें तो इसमें है 12GB रैम, 256GB स्टोरेज, कलर है ऑनिक्स ग्रे, एक और कलर आता है इसमें मार्बल ब्लू। प्राइस की अगर बात करें तो इस वाले वेरिएंट का प्राइस है 29,999। साथ ही दो और वेरिएंट आते हैं, एक 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ जिसका प्राइस है 24,999, और दूसरा वेरिएंट आता है 8GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 27,999। चलिए अब बॉक्स को ओपन करके देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। सबसे ऊपर रखा हुआ है स्मार्टफोन, लिखा है दिस वे नॉर्ड, इसको साइड में रखते हैं, देखते हैं बाकी बॉक्स कंटेंट्स क्या क्या हैं। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है एक बैक कवर इस नॉर्ड स्मार्टफोन के लिए, अच्छा बैक कवर है, डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा है एक वेलकम नोट OnePlus के तरफ से, फिर आता है सिम इजेक्टर टूल कुछ डॉक्यूमेंटेशन के साथ, रेड केबल क्लब ये एक मेंबरशिप कार्ड है OnePlus के तरफ से, OnePlus Nord का एक स्टिकर है जैसे एप्पल का स्टिकर मिलता है एप्पल के केस में, क्विक स्टार्ट गाइड है, कुछ सेफ्टी इन्फॉर्मेशन हैं, और उसके बाद है 30 वॉट वार्प चार्जिंग अडैप्टर एक USB टाइप सी केबल के साथ। अब बॉक्स को साइड में रखते हैं और देखते हैं फ़ोन कैसा है। रैपर को हटाते ही हमें देखने को मिलता है चमचमाता OnePlus Nord ऑनिक्स ग्रे कलर में। फ़ोन के लेफ्ट साइड में है वॉल्यूम रॉकर, नीचे के साइड है माइक्रोफोन, सिम ट्रे, USB टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल। दोस्तों हेडफोन जैक हमें देखने को नहीं मिलता है इस फ़ोन में। राइट साइड में पावर लॉक अनलॉक बटन है, उसके ऊपर है अलर्ट स्लाइडर, जनरल और साइलेंट आप वहीं से कर सकते हैं सीधे, और ऊपर की तरफ है सेकेंडरी माइक्रोफोन। दोस्तों फोन में हमें ग्लास प्लास्टिक सैंडविच डिजाइन देखने को मिल जाता है, पीछे की तरफ ग्लास है, फ्रेम प्लास्टिक का है, और सामने की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है। पीछे की तरफ है क्वाड कैमरा सेटअप जिसमें सबसे पहले है प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का जो कि आता है सोनी IMX586 सेंसर के साथ, जिसमें है f1.75 का अपर्चर। उसके बाद है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 8 मेगापिक्सल का f2.25 अपर्चर के साथ, फिर आता है डेप्थ कैमरा 5 मेगापिक्सल का जिसमें f2.4 का अपर्चर है, और फाइनली आता है मैक्रो लेंस 2 मेगापिक्सल का जिसमें f2.4 का अपर्चर है। इस क्वाड कैमरा के साथ ही साथ है डुअल LED फ्लैश, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको फोटो क्लिक करने के लिए अलग अलग मोड्स में। मैंने कुछ फोटोज क्लिक किए हैं इस कैमरा से जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, इंडोर और आउटडोर दोनों जगह। आपको ये फोटोज कैसे लगे आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, मुझे पर्सनली ये फोटोज काफ़ी अच्छे लगे। सामने की तरफ है ड्यूल सेल्फी कैमरा जिसमें पहला जो फ्रंट कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल का जो कि आता है सोनी IMX616 के सेंसर के साथ जिसमें f2.45 का अपर्चर है, और दूसरा कैमरा है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो कि अल्ट्रा वाइड सेल्फीज के लिए है, वो है 8 मेगापिक्सल का, अगेन f2.45 अपर्चर के साथ, और फील्ड ऑफ व्यू आपको इसमें मिल जाएगा 105 डिग्रीज का। मैंने इससे भी कुछ फोटोज क्लिक किए हैं जो आपको दिख रहे होंगे अभी स्क्रीन पे। दोस्तों फोन इज फिंगरप्रिंट मैग्नेट, मतलब आपकी उंगलियों के निशान पूरी तरीके से फोन पे आ जाते हैं, तो प्रेफरेबल है कि आप केस के साथ ही फोन को यूज करें। स्पेक्स की अगर बात करें तो फोन में हमें देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 765G का चिपसेट जो कि 5G को सपोर्ट करता है, 12GB का रैम, 256GB का स्टोरेज, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑक्सीजन OS 10.5 है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10। 90Hz का एक फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है, ये जो रिफ्रेश रेट है 90Hz का ये आप एडजस्ट करके 60Hz भी कर सकते हैं, सेटिंग्स में ये ऑप्शन दिया हुआ है। रिफ्रेश रेट 90Hz का है, ये एक बहुत अच्छा स्पेक्स है क्योंकि रिफ्रेश रेट जितना ज्यादा होगा व्यूइंग एक्सपीरियंस उतना ही ज्यादा स्मूथ होगा व्यूअर के लिए। स्क्रीन साइज है 6.44 इंच का, सामने की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, और अगर बैटरी की बात करें तो 4115 mAh की बैटरी है जो कि एक 30 वॉट के वार्प चार्जर के साथ आती है। टच रिस्पांस भी मुझे फोन का बहुत अच्छा लगा। दोस्तों अगर फोन के कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाता है इस फोन में। चलिए फोन का स्पीकर टेस्ट भी कर लेते हैं। दोस्तों मुझे इस फ़ोन का स्पीकर बहुत अच्छा लगा, काफ़ी लाउड और काफ़ी क्लियर है, ओवरऑल बहुत अच्छा स्पीकर है इसका।
दोस्तों फोन का फिनिशिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जब आप फोन को हाथ में लेते हैं तो लगता है कि आपने हाथ में एक प्रीमियम चीज पकड़ी है। तो फिनिशिंग के मामले में OnePlus ने बहुत अच्छा काम किया है फोन में, आई मस्ट से। दोस्तों अगर आपको ये स्मार्टफोन परचेज करना है या इसका कोई और वेरिएंट परचेज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं स्मार्टफोन को। तो दोस्तों ये था OnePlus Nord का अनबॉक्सिंग वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताइए, अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।